हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। वेलकम टू शालू शनी ब्लॉग। तो आज है 14 फरवरी और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और शची सो के उठ गई है और देखिए उसकी अंशु की कुटाई कर दे रही है। ये कुरकुरे का पैकेट ली है और अंशु को खिला रही है, अंशु खा रही है तो फिर छीन ले रही है और खूब पिटाई कर रही है अंशु की पैकेट से। उसको क्या पता पैकेट खुला है या बंद है। और ये बेड का हाल देखिए, साचू सारा रोटी फैला दिए बेड पर, बिकॉज हम लोग अभी खाना खा रहे थे ना, तो वो रोटी लेकर पूरे बेड पर छींट दिए, फैला दिए और पूरा गंदगी मचाई है। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पहले झाड़ू एक दो बार लग जाता था, अब तो पूरा दिन झाड़ू ही लगता है। सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है 7 बजे, बट साचू जब से आई है ना पूरा गंदगी मचा के रखी है। हेलो हेलो गाइज, तो अभी बज रहे हैं 11 और आज मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। रीजन है ये साची, ये मुझे नहाने नहीं जाने दे रही है। आज ये सो ही नहीं रही है और अंशु के पास भी नहीं जा रही, परेशान कर रही है। तो मैं लेके घूम रही हूँ इसको। ये आ रही आ आ आ रही है, बोलो देख रही है, बोलो आ आजा। देखेगी ध्यान से, आएगी जाएगी नहीं ना, देख रही, देखो देखो अभी इधर देख रही है। ये अभी बाहर इसको बालकनी में घुमा रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं ना। तो पतंग जब उड़ती है तो वो आवाज़ करती है ना, उसका जो पॉलीथीन रहता है हवा में उड़ता है तो आवाज़ करता है, तो वो साची बहुत ध्यान से देखती है। तो वही लाए हैं, देख रही है बालकनी में। और मतलब मेरे बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब साची को गोदी लेना चाहते हैं, बट किसी के पास नहीं जाती है, बस सबको दूर से देखेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। इसको स्कार्फ लगाए थे कि हवा नहीं लगे इसके कान में, बट ये लगा नहीं रही है। धूप है बट हवा भी है। ये हैं कुछ बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं, ये दोनों छोटे छोटे पतंग। धूप में पतंग मुझे दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये पतंग उड़ रहा है और ये उड़ा रहे हैं बच्चे। तो साचू इन लोगों को बहुत ध्यान से देखती है पतंग उड़ाते हुए, और पतंग को भी बहुत ध्यान से देखती है, तो बाहर आई है पतंग देखने के लिए। ये साची जब आई थी तो उसका वेलकम हुआ था ननिहाल में। आप लोगों भी अभी ब्लॉग नहीं देखे तो जाके वो ब्लॉग देख लीजिए। तो उसका अभी एक बलून बचा है, बाकी सारे बलून फूट गए हैं, बस एक बचा है। मैं नहा के आ चुकी हूँ। हेलो गाइस, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं जा रही थी छत पे कपड़ा फैलाने के लिए। बहुत इंतज़ार करने के बाद, मतलब बहुत कोशिश की है, तब जाके साची सोई है। तो उसको सुला के फिर मैं गई कपड़ा साफ करने। मैं पहले भी जा सकती थी बट ये ना कि साची किसी के पास नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैं उसको ली थी। और मुझे कपड़ा वाश करना था, साची का ढेर सारा कपड़ा हो गया था, साची का तबीयत नहीं ठीक है ना, तो उसका कपड़ा सब साफ करना था। तो मम्मी नहा ली थी सुबह में ही, तो इसलिए मुझे साफ करना पड़ा। तो उसको सुलाने के बाद गई मैं कपड़ा साफ की। कपड़ा साफ करने में 1 घंटा लग गया, तो 1 घंटे बाद नहा के आ रही हूँ। और आज है 14 फरवरी, तो आज ही के दिन हमारे 44 वीर जवान शहीद हुए थे पुलवामा में। तो उन सभी वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एंड सत सत नमन। एक नहीं, वो भी 44 वीर जवान हमारे शहीद हो गए थे एक ही दिन पुलवामा में, वो भी आज के दिन। तो उन सभी वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सत सत नमन है। और आज वैलेंटाइन डे भी है, तो सभी लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम और बाबू दूर दूर हो गए हैं, हम और बाबू तो वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बट कोई ना, हम लोग नेक्स्ट ईयर जो आएगा उस ईयर में अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फिर भी हम और बाबू एक दूसरे को सुबह सुबह ही विश कर देते हैं। फिर मैं अपने स्टेटस पर व्हाट्सअप पर फ़ोटो वगैरह लगा देती हूँ, इंस्टाग्राम पर नहीं लगाती हूँ, बस सब पे लगा देती हूँ, एक दूसरे को विश कर लेते हैं। दिल से जुड़े हैं ना, वही बहुत है, फिर बाकी का तो देखा जाएगा। तो यही हाल है ना कि आज का दिन दुख भरा भी है और कपल्स लोगों के लिए खुशी का भी दिन है। और जिनके ऊपर बीतता है ना वही लोग जानते हैं, आज खुशी का दिन भी है और दुख का भी दिन है। वो 44 लोगों के घर का क्या हाल हुआ होगा, उनके परिवार का क्या हाल आज के दिन होता होगा, वही लोग जानते होंगे। बट क्या कर सकते हैं,
जो होना था वो तो हो ही गया है और कपल्स लोग अपनी खुशी मनाते हैं, बट ये भी है कि उनके लिए भी थोड़ी श्रद्धांजलि थोड़ा होता है ना कि दुआ वगैरह कर लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना कर लेना चाहिए उनकी आज के दिन ना रोज़ तो कम से कम आज के दिन तो उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना कर ही लेना चाहिए। अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे के दुख का भी ध्यान देना चाहिए हमें। तो यही है ना, मैं आप लोगों से भी यही कह रही हूँ कि आज उनके परिवार के लिए भी आप लोग थोड़ी दुआ कर लीजिए, खुशी के साथ साथ थोड़ा भगवान से ये भी प्रार्थना कर लीजिए कि वो 44 वीर जवान जो शहीद हुए थे उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, हिम्मत दे और उनकी भी रक्षा करे, हेल्प करे सब चीज़ों से, उनके परिवार भी सुखी रहे, संपन्न रहे। और क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, तो वो आप लोग भी कीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों को अगर पता चलेगा, मतलब जिनको नहीं पता है, जिनको नहीं याद है उनको पता चलेगा, उनको याद आएगा, तो ज़रूर आप लोग भी प्रार्थना करेंगे उनके लिए। तो मेरे तरफ से यही है कि आप लोग उनके परिवार के लिए आप लोग भी प्रार्थना कर दीजिए, वो जो 44 वीर जवान पुलवामा में शहीद हुए थे उनके लिए। और आप लोग अपना वैलेंटाइन मनाइए भाई, सभी को अपनी अपनी खुशी सबको मनाने का हक है ना, तो आप लोग भी अपना वैलेंटाइन मनाइए। हम तो मना नहीं सकते हैं, हम तो दूर हो गए हैं, और क्या कर सकते हैं। साचू का तीर्थ आ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई ना, होता है बच्चों को थोड़ी, यही है ना कि सब कुछ जानते हुए भी टेंशन हो जाता है कि अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बट पता है कि बच्चों का दांत आता है तो बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, बट यही है ना कि एक टेंशन बनी रहती क्या हो गया साचू को, कब ठीक होगी कब ठीक होगी, यही सब है। अभी तो ठीक है, यहाँ पे तो मैं हूँ, मम्मी है, अंशु है, पापा हैं, सभी लोग हैं, थोड़ा मतलब मैनेज हो जाता है साचू को लेकर। अगर थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है तो वो लोग रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, बताने के लिए, वहाँ पे मम्मी रहती है। बट अभी मेरे जाने के बाद जब मैं सूरत जाऊँगी तो मम्मी 20-25 दिन के लिए गाँव चली जाएंगी, तो मेरा क्या हाल होगा यही सोच सोच के मैं टेंशन में हूँ। उस टाइम था जब ठंडी में नवंबर में मम्मी गाँव गई थी, तब तो साची को देखने के लिए अंशु थी, बट अभी जब मैं जाऊंगी और मम्मी 20 दिन के लिए गांव जाएंगी तब साचू को कौन देखेगा, मैं कैसे मैनेज करूंगी, यही सोच सोच के मेरी हालत ख़राब है। बिकॉज साची इतना बदमाशी करने लगी है यहाँ पे ना, कि वो सब देख के ना मैं बहुत टेंशन में हो जाती हूँ कि मैं सूरत में साची को अकेले कैसे संभालूंगी। मुझे मतलब घर का सारा काम करना है, बाबू का लंच है, टिफिन है वगैरह वगैरह, डिनर है, सब कुछ बनाना रहेगा, प्लस साची का देखभाल करना रहेगा, कैसे होगा भगवान जाने। बट कोई ना, बाबू जो है ना बहुत हेल्प करते हैं, मतलब झाड़ू है पोछा है ये सब कर देते हैं, खाना बनाने में भी हेल्प कर देते हैं, देखते हैं कितना बाबू के पास टाइम रहता है, बाबू क्या क्या कर पाते हैं। बाबू अभी थोड़ा बिजी हैं, मतलब अपने बिजनेस में और जॉब में दोनों में परेशान हैं, तो देखिए क्या होता है कैसे होता है, सब भगवान के ऊपर है। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं परेशान रहूँगी, अगर परेशान हो भी गई तो बाबू मेरा पूरा हेल्प करेंगे, इतना में ही मुझे तसल्ली है कि वो बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, मैं अगर परेशान रहती हूँ तो मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो मुझे इतना भरोसा है कि बाबू थोड़ा हेल्प करेंगे, मैं उनसे काम ना करवा सकूँ तो मतलब थोड़ा साची को तो देख लेंगे। यही है ना कि साची जब रोने लगती है ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ, तो बाबू तो परेशान होंगे ही, वो रोती नहीं है, और जब रोती है ना तो इतना रोती है कि चुप कराने पे नहीं चुप होती, किसी के पास नहीं चुप होती है, यही दिक्कत है। बस देखिए क्या होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़ा फैला लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठी थी ना, तो साचू को लेके बैठी थी, साचू बार बार नीचे उतर रही थी, अच्छे से मेरे पास बैठ नहीं रही थी, तो मैं कुर्सी से उतर कर और इसको कुर्सी पे बैठा दी हूँ। तो देखिए कैसे खेल रही है, उसको पीट पीट कर कुर्सी पे हाथ मारकर इसको मज़ा आ रहा है। और मम्मी यहाँ पे कपड़ा की सिलाई कर रही थी, तो मम्मी बाहर बैठी थी तो हम भी बैठे थे और इसको लेके, बट ये कहाँ गोदी में बैठने वाली हैं, परेशान कर देती है। अभी देखिए कैसे बोलेगी। तुम दांत दांत दांत
अंशु यहाँ पे शाम को सब्जी बनाने के लिए बीन्स की कटिंग कर रही है, सब्जी की कटिंग कर रही है और साचू बीन्स ले के खा रही है। देखिए मतलब एक ख़त्म हो जा रहा है ना, दूसरा उठा ले रही है और दो, इसको चार दांत आ गया है, दो ऊपर दो नीचे, तो उसको ले के काट काट के मुँह में सब भर ले रही है। जब मुँह भर जा रहा है तो थूक दे रही है, बट सब्जी पूरा इधर उधर कर दी है, छींट दे रही है। अंशु को बहुत परेशान कर रही है। और यहाँ पे देखिए इसका पता नहीं क्या हो रहा है, योगा हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए क्या कर रही है। बास्केट में साचू का कपड़ा रख रहे थे, रखने के बाद सोचे हटा दे बेड पर से, बट साचू हटाने नहीं दी तो वहीं छोड़ दिए हैं, उसी के साथ मस्ती कर रही है। जा ले अशु, अले अले कहाँ जा ले, कहाँ जा ले यार, रात में घूम घूम कर में डाले का, कहाँ जा रहे यार। आज मैं आप लोगों को छत से रात का व्यू दिखा रही हूँ, बद्दी का व्यू, तो कुछ इस तरीके से है बद्दी का व्यू। और देखिए जो सर से ऊपर दिख रहा है ना, वो पहाड़ पे लाइट है, वो जल रही हैं, मतलब पहाड़ पे बहुत लाइटें जलती हैं बट कैमरे में आ नहीं रही हैं, मतलब बहुत छोटी छोटी है ना तो कैमरे में नहीं आ रहा है। बाकी ये सब बद्दी का व्यू है। तो आज हम लोग कपड़ा भूल गए थे नीचे ले जाने के लिए, क्या ना मैं दोपहर में कपड़ा धो ली साची का तो सूखा नहीं था, तो मैं सोची लेट उतारेंगे, फिर काम सारा काम हो गया तो मैं भूल गई। श्यामा क्या कर रही हो छत पे, क्या कर रही हो, चलो 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 सारे कपड़े उतारो। यहाँ पे अंशु कपड़े उतार रही है, और क्या ना काम ज़्यादा नहीं होता, मैं काम नहीं करती बट वही है ना कि साचू को संभालना रहता है और उसी में उसके साथ मस्ती करने में खेलने कूदने में मैं भूल गई कि मुझे कपड़ा भी लाना है। फिर अभी याद आया कि अरे हम कपड़ा भूल गए हैं छत पे, तो वही हम अंशु आए थे उतारने के लिए, तो साचू को भी ले कर आए हैं, थोड़ा इसको भी घुमा दें, तो साल वगैरह उड़ के आए हैं। और ये देखिए अंशु कपड़ा उतार रही है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। ओके गाइज, बाय बाय।